हर्ष की बात है कि आज टाइमलेस लक्ष्मण इसका लॉन्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रहा है और अभी अभी हमने देखा एनिमेटेड फॉर्म में आर के लक्ष्मण जी का सबसे बहुचर्चित और सबसे क्रिएटिव कॉमन मैन अब हमें दिखाई देगा। मैं ऐसा मानता हूं कि टाइमलेस लक्ष्मण ये जो नाम दिया गया है ये बहुत ही सटीक इस प्रकार का नाम है, क्योंकि आज भी हम आर के लक्ष्मण जी का कोई भी कार्टून देखे तो उनके कॉमन मैन के द्वारा एक्सप्रेस की हुई बातें भारत के कॉमन मैन को अपनी लगती है। हमारी चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या राष्ट्रीय चिंताएं हो, हमारी खुशियां हो या कुंठाएं हो, इन सभी को जिस प्रकार से अभिव्यक्त करने का काम आर के लक्ष्मण जी ने किया, मैं ऐसा मानता हूं कि यह अपने आप में बहुत ही अनूठा है और इसीलिए कई पीढ़ियों को जोड़ने वाली इस प्रकार की ये सारी व्यवस्था उन्होंने खड़ी की और आज भी लोग हमेशा आर के लक्ष्मण जी को याद करते हैं, क्योंकि अपने आप को, अपनी परछाई को वे उनकी कलाकृति में पाते हैं। बहुत साल पहले एक कार्टून उन्होंने बनाया था जिसमें चांद के ऊपर जरूर लोग रहते होंगे, ये इसलिए कि जिस प्रकार के गड्ढे चांद पर दिखाई पड़ रहे हैं वैसे गड्ढे मुंबई में भी दिखाई पड़ रहे हैं और इसलिए ये दोनों गड्ढों को देखकर जरूर वहां लोग रहते होंगे, इस प्रकार का कार्टून उन्होंने बनाया था। या महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत ही सटीक इस प्रकार का कार्टून जिसमें 80 के दशक में जब हर साल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलते थे तो उस समय मुख्यमंत्री का सिलेक्शन कैसा होता है, एक लाइन में सारे लोग खड़े हैं और देश की सर्वोच्च नेता उनमें से एक की ओर देखकर कहते हैं कि तुम जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर रहते हो तो तुम मुख्यमंत्री हो। तो ये सारी व्यंग जिस प्रकार से उन्होंने हमारे सामने लाए और विशेष रूप से कॉमन मैन ने जो कॉमन मैन से कनेक्ट किया, मैं ऐसा मानता हूं कि वही आर के लक्ष्मण जी की यशस्विता है और आज उसी लीगसी को उषा जी और सारा परिवार ये आगे ले जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इच्छा व्यक्त की थी कि नए परिवेश में आज की पीढ़ी से कनेक्ट हो, इस प्रकार के मीडियम से हम लोग इसको जोड़ने की कोशिश करें, उसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए और आगे भी ये कार्य चलता रहेगा और हम सभी लोग इस कार्य में उनके साथ हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir, for all the kind words and blessings for my family. I now request my family, Srinivas Lakshman, Romanika Lakshman, Nandu Gupta, and proprietor of Spenta Multimedia, Mr. Manik Dhawan, to kindly come on the dais with the book. That's it.
Honorable Modi ji, this is a very, very special moment for us. I request you to say a few words. महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, यहाँ के लोकप्रिय यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, श्रीमती उषा लक्ष्मण जी, डॉक्टर आलोक शर्मा जी और यहाँ उपस्थित लक्ष्मण परिवार के सभी स्वजन और सभी जागरूक नागरिक, ये मेरा सौभाग्य है कि इस टाइमलेस जर्नी में मुझे भी शरीक होने का अवसर मिल रहा है। मेरा उषा जी से परिचय आया तब से बातचीत करने का मौका मिलता है, उनके विचारों को जानने का अवसर मिलता है, परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो मैंने उनसे एक बार सुझाव दिया था कि अब हमें इसको, इतना सारा कंट्रीब्यूशन है, इसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में लाना चाहिए। और दूसरा मेरा सुझाव था कि इसको एनिमेशन फॉर्म में हम अगर ला सकते हैं तो शायद जो समाजशास्त्र कभी पढ़ाया जाता था वो पढ़ने का आसान जरिया अकेले लक्ष्मण के कार्टून से बन सकता है, इतनी बड़ी ताकत है। और मुझे खुशी है कि मेरे इन बातों को उन्होंने स्वीकार किया और जी जान से जुटे। और सबसे बड़ी बात है कि इन सारे काम में उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया, वरना कभी होता क्या है, किसी को सुझाव दो, अच्छा आपने वो सुझाव दिया था तो अब आगे थोड़ा मदद करो। कुछ नहीं, अपने बलबूते पर इतना बड़ा काम किया है और इसलिए मैं उस परिवार के सबको, कंपनी को बहुत बधाई देता हूँ। ये प्रयास सिर्फ लक्ष्मण के लिए नहीं है, उनको स्मरण करने के लिए नहीं है। यानी लक्ष्मण एक व्यक्ति नहीं थे, वे करोड़ों कॉमन मैन में बसे हुए एक तत्व थे और जिसके भीतर भी करोड़ों मन विराजमान थे और उसका प्रकटीकरण उनके पीछे में हुआ करता था। और इसलिए मैं तो देवेंद्र जी से भी आग्रह करूंगा, अगर हो सके तो महाराष्ट्र की कोई यूनिवर्सिटी एक केस स्टडी करे और क्या कार्टून के माध्यम से 4-5 दशक की समाज की अवस्था, समाज का मनोविज्ञान, राजनीति के चौराहे पर चलती गतिविधियां, देश की अपेक्षाएं और सरकारों की वृत्ति प्रवृत्ति कार्टून के जरिए भारत का सामाजिक, राजनीतिक, मनोविज्ञान के इतिहास, इसका एक केस स्टडी हो सकता है। और लक्ष्मण ने कैसे इसको बांधा है, इसको पकड़ा जा सकता है और हो सकता है शायद आने वाली पीढ़ियों को ये ताकत के रूप में काम आता है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि एक आर्टिस्ट और एक कार्टूनिस्ट में फर्क क्या होता है। तो मेरा गलत हो सकता हूं, लेकिन शायद लगता है कि कार्टूनिस्ट ईश्वर के सबसे ज्यादा निकट होता है और शायद उसका डायरेक्ट डायलिंग ईश्वर के साथ रहता है, क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति को एक प्रकार का नहीं बनाता है,
कुछ न कुछ विशेषता हर एक के चेहरे में, नाक नक्शी में कुछ न कुछ बनाता है। हमको कोई मिलता है तो हमें वो सुभाष जी मिलेंगे तो ऐसा ही लगेगा कहाँ सुभाष जी मिले थे, लेकिन कार्टूनिस्ट मिलेंगे या तो कार्टूनिस्ट को सुभाष जी नहीं दिखेंगे, कान थोड़ी लंबी होगी तो वही दिखाई देगी, नाक थोड़ी टेढ़ी होगी तो वही दिखाई देगी, क्योंकि उसने उसने उसको मैसेज दिया हुआ है कि देख मैंने जब सुभाष को बनाया था तो ऐसे बनाया था, तो तुम जब इसको मिलो तो यही पकड़ना। और इसलिए कार्टूनिस्ट, अब खुद लक्ष्मण खुद का कार्टून भी बनाते हैं, वो तो कलम के धनी थे, पीछे के धनी थे, वो भी अपने आप को सुंदर बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने खुद को भी वैसा ही टेढ़ा मेढ़ा बनाया, उन्हीं बालों को उन्होंने अपना पॉपुलर बना दिया। अब कॉमन मैन, मैं नहीं मानता हूं कि हमारे जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं उन्होंने लक्ष्मण को कोई एडवाइस की होगी, कोई ये कॉमन मैन को देख करके कह सकता है कि ये किस स्टेट के हैं, वरना कितना ही बड़ा फैशन डिजाइनर हो, कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, वो किसी को भी चित्र बनाएगा तो दिखेगा ये शायद तमिल का छाया है या ये नॉर्थ ईस्ट की छाया है, शायद इसमें बंगाली रूप देखता है। उन्होंने कॉमन मैन का ड्रेसिंग ऐसे किया है कि हर हिंदुस्तानी को लगता है ये मेरा है, कोई कह नहीं सकता ये उस राज्य वाला है। साहब ये कितने बड़ा, यानी जो इसको माइन्यूटली देखेगा उसको पता चलेगा कि ऐसा कॉमन मैन क्यों ढूंढा जिसके पूरे पहनावे से पक्का नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के किसी एक इलाके को वो रिप्रेजेंट करता है, और नहीं वो एक युग को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉमन मैन कॉन्स्टेंट है, उसके जूते में आधुनिकता है, उसके मूछों में दम है, लेकिन छाते के बिना जिंदगी नहीं है। यानी एक एक उनके मन को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं तो ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि उनको पता था कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों की मानसिकता, जैसे जैसे राजनीति में विकृति आती जा रही है, बिखराव ढूंढना, अलगता ढूंढना, उनकी कोशिश थी एकता को समेटना, ये अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इसलिए लक्ष्मण के इस ताकत को, अब ये ठीक है कि हम लोग ऐसी चीजों को मिस करते हैं, और जिस राजनीतिक जीवन कालखंड में उनका योगदान रहा, मैं पक्का मानता हूं हर पॉलिटिशियन अखबार पढ़ने से पहले उनका कार्टून देखता ही देखता होगा और उसमें से उसको मैसेज मिल जाता होगा। इतनी ताकत होना, ये अपने आप ही बात। कार्टून की दूसरी विशेषता है वो चुपता नहीं है जी, कभी चुपता नहीं है, सटीक से सटीक बात हो, कठोर से कठोर बात हो, लेकिन शब्द में जो ताकत होती है दर्द देने की, कार्टून में मरहम देने की ताकत होती है। एक पल लगता है यार ये क्या है, दूसरे पल लगता है हाँ यार ये भी एक बात है। यानी जिसमें क्षमता है सत्य को तीव्रता से उजागर करने की, लेकिन उसमें वो भी क्षमता है कि उस तीव्रता के बीच मरहम लगाने की, वो शायद लक्ष्मण की ताकत थी, जो बेजोड़ ताकत थी, जिसको कभी हम भूल नहीं सकते। सामान्य मानवी की समस्याओं को, उनका एक कार्टून था कि कॉमन मैन कार खरीदता है, फिर कोई पूछता है क्या कर रहे हो, बोले कार तो लाया हूं लेकिन रोड ढूंढ रहा हूं कि कहाँ चलाऊं। यार उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रास्ते नहीं थे, रोड नहीं थे, इतना सटीक मार्मिक कहने का सामर्थ्य है। जब उनको पूछा गया कि आप कॉमन मैन कहां से ढूंढ रहे, तो बोले मैंने नहीं ढूंढा कॉमन मैन, कॉमन मैन ने मुझे ढूंढ लिया है। ये अपने आप में मैं समझता हूं एक बहुत, यानी सोचने की विशालता क्या थी। उनके भाई आर के नारायण का भी उन पर छाया रहा, जो उनकी कलम में नजर आया, किताब के लिखित के लेखन में भी उनका ध्यान आया। आपने देखा होगा कि जब अटल जी की सरकार थी, मेरे मन पर इन चीजों का बड़ा प्रभाव रहता है, क्योंकि हम ज्यादा दुनिया बड़ी हमने देखी नहीं, वो ताम जाम क्या होता है सब मालूम नहीं था, ये सब यहां आने के बाद देखा है। तो पहले तो ऐसे ही जिंदगी गुजारते थे, तो उन्हीं चीजों को देखा था तो वही ध्यान में रहता है। जब अटल जी की सरकार बनी, मैं पार्टी के संगठन का काम करता था, तो मैं एक दिन उनके
एविएशन मिनिस्टर थे उनके पास चला गया। तो मैंने कहा भाई मेरा एक सुझाव है। तो बोले क्या, हम तो उस समय बहुत सामान्य कार्यकर्ता थे, तो कोई समय हमें मिलने के लिए दे दे यही बहुत बड़ी बात होती थी। मैंने कहा यार जमाना बदल गया, ये जो हमारे हवाई जहाज है उस पर ये राजा महाराजा का सिंबल क्यों लगा है, है महाराजा का सिंबल रहता था ना बड़ा ऐसा। मैंने कहा ये लक्ष्मण का कॉमन मैन क्यों नहीं होना चाहिए, हवाई जहाज के दरवाजे पर सिंबल कॉमन मैन क्यों नहीं होना चाहिए, हमारी सोच क्यों नहीं बदलनी चाहिए। मेरे मन पर लक्ष्मण का इतना इम्पैक्ट था आप बोलना, और आप जानकर के खुश होंगे कि बात अटल जी तक पहुंची। और एक्चुअली डिसीजन लिया गया था उस समय हवाई जहाज की एक जो सेवा थी वहां राजा को हटा दिया था, ये कॉमन मैन का चित्र लगा दिया गया था। और उस समय अभी भी शायद कई जहाज ऐसे हैं जिस पर ये चेक्स वाले कोट वाला कॉमन मैन, लक्ष्मण वाला कॉमन मैन आज भी लगा हुआ है। यानी सामान्य मानवी का तवज्जो महाराजा से लेकर के कॉमन मैन तक हवाई जहाज को ले आना, और मुझे खुशी है क्योंकि मेरा तब तक तो उसकी पहचान और पेंटिंग तक सीमित था, लेकिन वो विचार मेरे भीतर जीवित था। जब आज मुझे काम करने का मौका मिला तो मैंने सपना देखा कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी मेरे देश में हवाई जहाज में घूमना चाहिए। और हवाई चप्पल पहनने वाला आज देखिए देश में रेलवे के एसी कोच में जितने लोग ट्रैवल करते हैं उससे ज्यादा हवाई जहाज में कर रहे थे। तो जो लक्ष्मण को मैंने जिस रूप में कॉमन मैन के रूप में देखा था उस कॉमन मैन को अब अंदर बिठाने की दिशा में मैं काम कर रहा हूं। आप देखा होगा भारत सरकार इन दोनों जो पद्मश्री पद्म विभूषण देती है ये सचमुच में अध्ययन करने जैसा विषय है। खैर हमारे देश में अच्छी चीजों का अध्ययन करने के लिए समय बहुत कम है लोगों के पास, लेकिन फिर भी समय मिल जाए तो अध्ययन करने जैसा विषय है। वरना पहले बड़े बड़े लोग जिसकी जान पहचान है पहुंचे वही पद्मश्री पद्म भूषण के लिए योग्य रहते थे। पिछले 4 साल में हमने उसको पूरी तरह बदल दिया है। कॉमन मैन अगर उसने समाज के लिए देश के लिए जीना जी करके कुछ किया है तो वो पद्म के लिए सम्मानित होगा। और मैं मानूंगा कभी न कभी कोई न कोई यूनिवर्सिटी केस स्टडी करेगी कि 4 साल में जो पद्मश्री पद्म विभूषण मिले हैं उसमें कॉमन मैन का रिफ्लेक्शन क्या है और देश कितनी ताकतों से भरा पड़ा है उसका अंदाज आ सकता है। अरे ऐसी बहुत सी चीजों में बदलाव आया है और उसका मूल कारण हम उस तबके से आए हैं, उस जिंदगी को जी करके आए हैं जहां पड़े हुए सामर्थ्य को हम भली भांति जानते हैं। और वही सामर्थ्य है जो देश के सामर्थ्य के रूप में शक्ति प्राप्त करे उस दिशा में हमारा प्रयास है। लक्ष्मण ने बहुत बड़ी सेवा की है। हम लोगों का काम है कि हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, इस क्षेत्र के जो नौजवान है मुझे विश्वास है कि किताब उनको बहुत काम आएगी। जो फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी हैं जो कार्टून की दुनिया में जाना चाहते हैं, और मुझे खुशी है कि उनकी पोती आधुनिक विचारों के साथ आई है, वो कॉमन मैन लेके आई है, कॉमन वुमेन लेकर के आई है, तो जेंडर इक्वलिटी का भी अच्छा प्रयास हो रहा है। तो मेरी इस पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं विश्वास से कह रहा हूं कि ये सचमुच में उनके लिए तो लेस टाइम था क्योंकि जीवन कहीं न कहीं तो रुकता ही है, लेस टाइम था, लेकिन वो हमारे लिए टाइमलेस है, टाइमलेस रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for all the kind words and blessings to our family. It means a lot to us. Thank you very much. I now request Mr. Nanda Gupta to say a few word of thanks. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, our Honorable Governor Sri Vidya Sagar ji, our Honorable Chief Minister Sri Devendra Fadnavis ji, and my dear friends,
I have been in association with Lakshman Saab from quite a long time, and always whenever I used to be in some low mood because of some ups and downs of business, so I used to go and sit with him, and he used to just look at me and I used to feel good. The way he used to have his expressions, because whenever you meet him, he will make some expression which will be correlating with my mood, this, that, and he was just a fatherly figure to me, and it is my honor that he was associated with me. So with these words, I will just offer a vote of thanks to RKIPR team. Offers our heartfelt thanks to our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, our Honorable Governor Sri Vidyasagar Rao ji, our Honorable Chief Minister Sri Devendra Fadnavis ji, to have graced this occasion with their valuable presence. We thank Dr. Alok Sharma for supporting this event, Mr. Manik Davar for printing and publishing the book Timeless Lakshman. We also thank all the 12 personalities who have given their praise and tribute to Mr. Lakshman through their video clips, which are published in the book. The valued personalities are Mr. Akshay Kumar, Mr. Sachin Tendulkar, Mr. Sunil Gavaskar, Mrs. Lata Rajnikant, Mr. Iqbal Chhagla, Mrs. Saila Wadshah, Mr. Mukesh Ambani, Mr. Mani Ratnam, Mr. Shatrughan Sinha, Mr. Nasruddin Shah, Mrs. Bakul Patel, and Mr. Viju Khote. We thank the media and, most important, our entire families and friends. Thank you all. Thank you, sir. Our gratitude. Jai Maharashtra, Jai Hind. आप देख रहे थे मुंबई राजभवन से सीधा प्रसारण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण के पर आधारित टाइमलेस लक्ष्मण पुस्तक का विमोचन किया. प्रधानमंत्री ने उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि लक्ष्मण में वो प्रतिभा थी कि वो जो जन सामान्य था उसके मूल में, उसकी समस्याओं के मूल में जाते थे और उसका इतना प्रभावी चित्रण करते थे जो कि असर करता था. उनका जो कॉमन मैन है उसका समाजशास्त्र में बहुत अधिक योगदान रहा है उस चित्रण का. तब भी समसामयिक जो समस्याएं थी, जो भी उस समय की व्यवस्था थी, उस पर असर पड़ा. साथ ही राजनीतिक कालखंड में भी उसका महत्व